नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो स्टॉक ग्राफ्ट आईपीओ है। अगर आपने किचन में कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है पिजन का, तो पिजन की जो पेरेंट कंपनी है वो स्टॉक ग्राफ्ट। तो स्टॉक ग्राफ्ट के आईपीओ के बारे में डिटेल में जानेंगे। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पूरी तरह से इसको कंपनी को एनालाइज अवश्य कर लीजिए। कंपनी क्या पहले प्रॉफिट कर रही थी, कंपनी क्या लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आई है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी का वीकनेस क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितना डिमांड में है, क्या मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है या नहीं, तो सारी चीजों को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम कंपनी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो स्टॉक क्राफ्ट कंपनी है कि इसके अंदर कई सारे ब्रांड है, जिसमें से पिजन ब्रांड इसका सबसे फेमस ब्रांड है। 86% का रेवेन्यू जो है पिजन ब्रांड से ही इस बार इसका आया है। वहीं दूसरा ब्रांड है गिलमा, और इसका जो तीसरा ब्रांड है ब्लैक प्लस डेकर। ये तीन मेन ब्रांड है इसके, जिसमें से पिजन इसका सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड है, जो कि ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करके देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है स्टॉक क्राफ्ट को इसी ब्रांड से। इसका जो तीसरा ब्रांड है ब्लैक प्लस डेकर, ये एक लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेशन ऑफ USA ब्लैक एंड डेकर कॉर्पोरेशन जो उसके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ तहत है। यहाँ जो भी इंडिया में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी इंडिया में, तो ब्लैक प्लस डेकर के साथ सिर्फ स्टॉक क्राफ्ट बेच सकती है। तो इंडिया में एग्रीमेंट है इस कंपनी के साथ इसका। और ये कंपनी करती क्या है, तो देखते हैं। ये किचन प्रोडक्ट बनाती है, LPG गैस स्टोव बनाती है, कुक टॉप बनाती है, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाती है, प्रेशर कुकर और जो चिमनी होती है चिमनी बनाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट बनाती है जो कि किचन में यूज होता है। तो कंज्यूमर सेक्टर की जो भी कंपनी है आप देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। जैसे आपको हॉकिंस कुकर मिल जाएगा, TT के प्रेस्टीज मिल जाएगा, हैवेल्स मिल जाएगा। तो जो हमारे कंज्यूमर सेक्टर के प्रोडक्ट बनाने वाली बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, तो कई सारी कंपनियां लिस्टेड है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। सारे जो किचन के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन है कंपनी का, उसके तहत अपने रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचाता है। साथ ही साथ इसका जो पार्टनरशिप है वो HPCL के साथ है, BPCL के साथ है, इंडियन ऑयल के साथ है। इसके तहत ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है अपना जो चूल्हा होता है, जो गैस स्टोव होता है वो देती है, और गैस कनेक्शन जो हमारी प्रधानमंत्री योजना के तहत होता है वो भी पहुंचाती है। तो ये सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। साथ ही साथ कंपनी अब LED प्रोडक्ट भी बनाती है, LED बल्ब्स हो गया, और उसके बाद फ्लोर मॉप्स, बास्केट, डस्टबिन, वाटर बॉटल्स, ये सारे ये नए प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाने की शुरुआत किया है। अगर हम कुकिंग एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो मार्केट एस्टिमेट है 20,000 करोड़ का है 2020 में, और ये 11% के CGR के साथ इसमें अगले 5 साल तक ग्रोथ होगा, जिसमें स्टॉक क्राफ्ट का मात्र एक पिजन ब्रांड जो है वो लीड करता है। ओवरऑल कंपनी जो है किसी और अन्य ब्रांड में लीडिंग, मतलब और किसी भी प्रोडक्ट में लीड नहीं करता है, और कंपनी का जो दो ब्रांड है वो खास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। तो ये कंपनी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। अब हम कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। तो जो कंपनी का स्ट्रेंथ है, कंपनी जब लीड नहीं करती है तो कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर अगर कैच करती है तो शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। वही कंपनी का जो है दो मतलब फैक्ट्री है, एक बेंगलुरु कर्नाटका में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में। तो दो मुख्य फैक्ट्री है, और हिमाचल में ये जनरली जो स्टोव बनाती है, और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट अपना बेंगलुरु के फैक्ट्री जो है वहाँ पर बनाती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन भी करती है, ई कॉमर्स के तहत भी इसका 30-40% का सेल्स होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन तो है ही। साथ ही साथ कंपनी 12 कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट करती है, जिसमें मैक्सिको, USA में डायरेक्ट रिटेल चेन के तहत अपना प्रोडक्ट सेल करती है। साथ साथ 25 स्टेट जो इंडिया का, वहाँ पर कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन के तहत। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ कंपनी पार्टनरशिप में भी है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल आप देखिए, टोटल एसेट कंपनी के पास था ये मिलियन में है, मिलियन को 10 से डिवाइड करना है तो आपका करोड़ में हो जाएगा। अगर 18 में बात करें तो 18 में 393 करोड़ का एसेट था कंपनी के पास, जो कि 19 में मतलब फाइनेंशियल 19 में बढ़कर हो गया 425 करोड़ का, और वहीं बढ़कर के हो गया फाइनेंशियल 20 में 471 करोड़ का, और जो हमारा ये फाइनेंशियल 2021 चल रहा है उसमें अभी तक 498 करोड़ का जो टोटल एसेट हो चुका है कंपनी का। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू था 2018 में वो था 534 करोड़ का, जबकि कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी। कंपनी का जो टोटल लॉस था 12 करोड़ का था। वहीं कंपनी का फाइनेंशियल 19 में 642 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, ये मिलियन में है, 10 से डिवाइड करना है
तो एक डिजिट आप गायब कर दिए। 642 करोड़ का रेवेन्यू था जिसमें से प्रॉफिट कंपनी को हुआ था मात्र 7 करोड़ का, और वही 2020 के फाइनेंशियल ईयर में हो गया 672 करोड़ का रेवेन्यू और 31 करोड़ का कंपनी का कुल हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहां पर काफी जंप हुआ है, देख सकते हैं फाइनेंशियल 2020 में। और वही फाइनेंशियल 2021 की बात करें तो 329 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है और 28 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अभी तक दिखा चुका है मात्र 3 क्वार्टर में। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, यहाँ पर देख सकते हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर तक ही, अभी 2 क्वार्टर का आना बाकी है। तो इतना जंप रेवेन्यू में और प्रॉफिट में किस कारण से हुआ है? तो कंपनी जो अपना एक्सपेंस है, जो एडवर्टाइजमेंट पे, ट्रेवल पे, ये सारा जो एक्सपेंस करती थी कंपनी, अपने एक्सपेंस को काफी कम किया है, जिस कारण से आपको पिछले 2 साल से, मतलब फाइनेंशियल 20 से ही कंपनी के प्रॉफिट में काफी जंप देखने मिला है। तो क्या ये लगातार कॉन्स्टेंट रहेगा? ये भी है, ये जो फ्यूचर है फ्यूचर में कॉन्स्टेंट रहने वाला नहीं, क्योंकि कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे और ट्रेवल पे एक्सपेंस बढ़ाना ही पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के सेल्स के लिए। तो ये जो प्रॉफिट है ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला, जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो निश्चित है कि जो शेयर होगा मार्केट में लिस्ट उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि कंपनी पहले कुछ दिन लॉस मेकिंग कंपनी थी और कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें से एक ही ब्रांड जो पिजन ब्रांड है वो मार्केट में, मतलब अच्छा मार्केट शेयर रखता है, बाकी बाद जो भी 2 ब्रांड है कंपनी का वो अभी कुछ मार्केट में खास, मतलब मार्केट शेयर जो है उस प्रोडक्ट का कुछ खास नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं, इसके कई सारे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है वो काफी मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। यहाँ पर देखिए पीर कंपैरिजन है, कुकटॉप जो है कुकटॉप पिजन ब्रांड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर स्टॉपक्राफ्ट जो है मार्केट लीडर है और इसका मार्केट शेयर है 25% का, मतलब 25% ये मार्केट शेयर रखता है। स्टैंडिंग कुकिंग हॉप इसमें भी ये स्टॉपक्राफ्ट जो मार्केट लीडर है 20.3% का मार्केट शेयर रखता है, जो कि ये मार्केट को लीड करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो चिमनी है इस समय फेवर यहाँ पर मार्केट को लीड करता है। फिर यहाँ पर टीटीके प्रेस्टीज, फिर बजाज टीटीके प्रेस्टीज, तो कुछ खास नहीं है मार्केट शेयर, मात्र एक जो है पिजन ब्रांड इसका लीड करता है मार्केट को, और जो 2 ब्रांड है इसके वो कुछ खास मार्केट शेयर नहीं रखता, वहाँ से कुछ खास रेवेन्यू अभी कंपनी को जनरेट नहीं होता है। तो ये एक तरह से निगेटिव कहिए या पॉजिटिव दोनों है, अगर मार्केट अच्छा मार्केट शेयर क्रिएट करता है इसके 2 ब्रांड जो बचे हुए हैं तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तो उसका सीधा फायदा होगा शेयर होल्डर को। अब हम सीधा बात करते हैं आईपीओ डिटेल का। तो आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 412 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू होगा 95 करोड़ का, और जो कि डेट को कम किया जाएगा, कंपनी को ऊपर डेट भी है तो उस बोरोइंग को कम किया जाएगा। वहीं जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स जो अपना सेल करेंगे वो 77% है, 77% प्रमोटर सेल करेंगे, जो कि 317 करोड़ का है, ये प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करेंगे। यहाँ पर 95 करोड़ जो लेगा तो यहाँ पर देखते हैं 76 करोड़ का रीपेमेंट ऑफ डेट होगा और रिमेनिंग जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होगा उसमें यूज किया जाएगा। प्राइस का बैंड जो आईपीओ का वो 384-385 है, तो जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो कट ऑफ प्राइस पे ही कराएं, क्योंकि आईपीओ जो होगा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो आपको नीचे के प्राइस पर मिलने वाला नहीं है, इसलिए जब भी अप्लाई करें हमेशा ऊपर के प्राइस बैंड पे ही आपको करना है। अब डेट जो है सब्सक्रिप्शन का 25 जनवरी को ओपन होगा आईपीओ, 28 जनवरी तक आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 25 जनवरी से 28 जनवरी तक। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी इसका तो यहाँ पर यह सारी चीज़ देखना नहीं, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल है अभी एस्टेब्लिश, मतलब अस्थाई नहीं है, प्रॉफिट और रेवेन्यू वो अस्थाई नहीं है, कुछ ही मतलब कई साल पीछे कंपनी लॉस में थी, अभी कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, जिसमें कंपनी अपने एक्सपेंस को कम किया है, अपने ट्रेवल को कम किया है, एडवर्टाइजमेंट को कम किया है। अब यहाँ पर पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग्स 56% का बचेगा। अभी यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कैप इसका जो है आईपीओ से पहले 1253 करोड़ का है, और कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है 338 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी का था बहुत सारे डेट चुका दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है आईपीओ के डिटेल में। बेसिक जो अलॉटमेंट आपका होगा 2 फरवरी को आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, और रिफंड जो आपको अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा 3 फरवरी को, और जो शेयर होगा 4 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो डीमैट अकाउंट में आपका जाएगा, और जो आईपीओ लिस्ट होगा 5 फरवरी को। तो लिस्टिंग के दिन चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, या आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है आप प्रॉफिट के लिए बुक करेंगे, कुछ भाग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब रिटर्न दिया है, कई सारे करोड़पति को बनाया है। तो अगर आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फर्स्ट डे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर
अच्छा खासा लिस्टिंग गेन करता है, लेकिन एक बात अलर्ट, मार्केट के सेंटिमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जिस तरह से दो दिन मार्केट काफी गिरा है, क्या मार्केट में गिरावट इसी तरह जारी रहता है तो फिर आपको लिस्टिंग गेन काफी कम मिलने वाला है, क्योंकि SBI कार्ड जैसे IPO जब मार्केट की गिरावट के समय में आया था तो वो भी IPO फेल हो चुका था। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, फिर IPO के लिए अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।